ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट है, आई थिंक यही लास्ट है, कुछ ही बस सीट इसमें है, और नीचे हमने अपना बाइक पार्क कर दिया है, टॉयलेट भी है इसमें और छोटा सा कैफे भी है, और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। दो घंटा लग गया हमें पहुंचने के लिए। मेरी लाइफ में शायद मैं पहला ऐसा व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि नीट एंड क्लीन बीच है, समुद्र है, मतलब पूरा सी है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं अपने आप को कितनी बेहतरीन था। फिलहाल अभी सब लोग गाड़ी निकाल ही रहे हैं, और पहले कुछ सामान है उसका गाड़ी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम अपना जो बाइक है वो निकालेंगे। लग नहीं रहा कि मैं हॉलीडे में आया हूँ कि हनीमून में आया हूँ कि किस चीज़ के लिए आया हूँ। ऐसा ही रूम्स अनएक्सपेक्टेड जो होता है ना, वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कभी एक्सपेक्टेड कुछ चीज़ नहीं रखता। अगर अनएक्सपेक्टेड रहूँ और मुझे वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से मिल जाए, तो मतलब एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा बढ़ के वो चीज़ है मेरे लिए। रूम तो काफ़ी अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बेड है मस्त दो लोगों के लिए, डाइनिंग टेबल, टीवी, सामने डोर, सामान रखने की जगह, और ये शानदार सा पेंटिंग बोर्ड, एसी, ये है आपका बेसिन, और ये है नहाने की व्यवस्था। एक और चीज, इस रूम में डोर नहीं है, ये ऐसे पर्दा है, कृपया आप पर्दा लगा के अपना काम कर सकते हैं। और मैं अगर कुछ व्यू की बात करूं तो वो है ये, इस तरह लग्जरीज तो नहीं, बट कम से कम उस तरीके से आप लग्जरीज की तरह से आप रहो।
आप इंजॉय करो, तब अपना कोई भी आप हॉलीडे या फिर किसी भी के लिए भी बहुत मायने रखता है, 7 days, 5 days, मोर देन 10 days, क्योंकि किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता है लॉन्ग डेज के लिए, 15 days, 20 days के लिए ट्रैवल करें और वो कम बजट में ब्रेड वगैरह खा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर टाइम यूज़ करके, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आप कम टाइम में आपके पास आप थोड़े से लग्जरियस तो नहीं बट उससे थोड़ी सी नीचे में आप एक सुकून सा जो हॉलीडेज है आपका 7 days का वो आप अच्छी तरह से गुजरो, ताकि आपके आने वाले जो और टाइम है मंथ या फिर आने वाले साल में तो एक यादगार पल रह जाए, ताकि आपको एक मेमोरीफुल लगे कि हाँ मैंने उस जगह में गया था तो मैंने अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय किया है, ना ही बिना किसी टेंशन के, ना ही कुछ बिना कुछ प्रॉब्लम्स के और ना ही कुछ ज़्यादा मेहनत करके। अभी हम लोग होटल से अभी बाहर निकले हैं, अभी हम जा रहे हैं डायमंड बीच की ओर, जो मुसाफानी जगह सबसे खास और फेमस जगह है। तो फिलहाल मेरे साथ राजेश अभी बैठ रहे हैं मेरे पीछे, जो मुझे अभी फॉलो करेंगे आगे मैप्स के थ्रू और कुछ शॉट्स भी लेंगे आपको बेहतरीन आपको दिखाना। तो चलो चलते हैं।